हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज पूरी हालत बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं। अभी शाम का बज रहा है 5 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम। ये देखो मेरा घर ना, पर जो रूम बहुत अजीब सा पड़ा हुआ था, मैं उसको साफ़ करने की आज मैंने पूरी ठान रखा है कि मैं इस रूम को ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देंगे। सो मैं बहुत ही बुरी हालत पर हूँ और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं कि देखो कितना काम रहता है घर में। सच में बहुत ज़्यादा काम है, मेरा सारा बिंदी बिंदी सब गिर गया है। अरे इस बेड पर बहुत सामान था, मुझे मैंने सारा हटा दिया। ये देखो सारा बालकनी में सारा इकट्ठा कर दिया। ये दिखाऊं मैं आपको बैक कैमरे से, ये देखो ये था वो रूम जिसमें सामान भरा हुआ था। इस बेड को मैंने खाली कर दिया है पूरा और ये इतना सारा कार्डबोर्ड निकला है जो यूजलेस है, बिल्कुल यूज़लेस है। ये चिमनी का है, बट चिमनी का तो अभी रखना है क्योंकि वो वारंटी में है। और ये देखो इतना सारा कचरा, शाइन की साइकिल भी यहीं पड़ी है, बहुत सारा कबाड़ खाना हो गया। ये बालकनी है हम लोग की, बट बालकनी की हालत बहुत ख़राब है। तो कहीं घर छोड़ के जाओ ना तो हालत बहुत ख़राब। हमारे घर से व्यू बहुत अच्छा आता है वैसे, कभी दिखाऊंगी जब अच्छे से रहेगा। और ये देखो ये मैंने रूम साफ़ करने, ये शाइन की एक फ़ोटो लगी है इसमें, ये बर्थडे की फ़ोटो है, फर्स्ट बर्थडे पे हम लोगों ने जो वॉलपेपर बनवाया था वो है। और ये देखो इतना सारा सामान मैंने निकाला है। ऑनलाइन सामान आता है ना तो कचरा बहुत हो जाता है, कचरा क्या कार्डबोर्ड बहुत हो जाते हैं। और ऐसे अगर हम लोग उसको देते हैं ना कूड़े वाले को, गार्बेज बॉय को, तो वो ना ले नहीं जाता, कहता है इतना सारा कचरा ऐसे गुस्सा करता है लेके नहीं जाता। तो मैं क्या करती हूँ ना, फाड़ फाड़ के, और वो उसको कबाड़ी वाला आता है ना रद्दी पेपर लेने वाला, उसको दे देते हैं। वो ज़्यादा सही रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो उसे बहुत हंसी खुशी ले लेता है। पर मैं क्या करती हूँ, ऐसे तोड़ मरोड़ के रख देती हूँ जिससे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मेरे पास कार्डबोर्ड बहुत हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं ना। पूरा रूम भरा हुआ था जो मैंने साफ़ किया, मैं जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ, बाद में बड़ी बुरी हालत हो गई क्योंकि मेरी एक उंगली ना पता नहीं क्या हुआ इसको, बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैंने चोटी वोटी बना के रखी है क्योंकि काम इतना है ना, बहुत ज़्यादा काम है। जब कहीं घर छोड़ के जाओ तो काम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया है काम। और एक दिन में काम करने की कोशिश करो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई जब हम आए थे यहाँ पे तो मैंने एक ही दिन में कोशिश की थी, बट फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पूरी बॉडी पेन होने लगी, तब बंद कर दिया। और मैं यहाँ पे शाम का 7-8 बज चुका था, मतलब अंधेरा होने वाला था, तब मैं ये काम कर रहे थे। और मैं काम करते करते रात को इतना लेट हो गए, रात को 10 बज गया, उसके बाद खाना बनाया, 11 बज गया, फिर किचन साफ़ की, 2 बज गया था हमको रात को सोते सोते, क्योंकि बहुत काम भी बहुत था। उसके बाद सारा घर गंदा हो गया था। तो ये देखो भाई मैंने सारे कार्डबोर्ड एक ही में भर दिए। और ये मुझे मिला है एक चीज़, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या है। ये पहले चलता था, जब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैं आपको बताऊँ तो मैं प्याज जब भी कट करती थी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेरे आंसू आते थे। ये देखो तो ये आशी ने फर्स्ट टाइम जब मेरे लिए ये मंगाया था, और कहते हैं इससे प्याज कट करना तो तुम्हारे आंसू नहीं आएंगे और कट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतने जल्दी जल्दी कट करना आता नहीं था, बहुत स्लो स्लो कट करते थे हम। तो ये वगैरह था एक, बट मैंने इस पर एक बार कट किया, उसके बाद मुझे लगा कि इसको इतना धोने से अच्छा है कि इसे अच्छा हाथ से कट कर लो। और ये देखो एक लाइट मिली है मुझे, पता नहीं कितना सामान हो जाता है घर में, मैगजीन और बहुत सामान। ये देखो पूरा बॉक्स भर दिया मैंने, इतना सामान था ना। और ये है एक कूलर, जो बहुत छोटा सा कूलर है, लिया था एक बार बट फिर कभी यूज़ ही नहीं किया, कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एसी ऑन रहता है, कूलर शाइन भी यूज़ नहीं करता। और अब मैं आ गई हूँ, ये दूसरे दिन का वीडियो है क्योंकि उस दिन तो मैं बहुत थक गई थी और दूसरे दिन भी मुझे ऐसे थकान ही थकान महसूस हो रही थी। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास बड़ी है कुछ, आप लोगों को पता होगा मूँग दाल बड़ी बोलते हैं हम लोग क्या इसको। सो ये मम्मी ने मेरी मुझे बना के दी थी, तो मैंने कहा इसको बना लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी दूसरे दिन तक, हम इतना थक गए थे। सो ये मैं बना रही हूँ, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है पहले, और ये जो बरी है ना थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालते हैं, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं जिससे अच्छी से पक जाती है। तो पहले मैं कुकर में बनाती हूँ, उससे बहुत अच्छी बनती है। तो पहले नॉर्मल फ्राई कर लेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं। और ये मैंने कट कर दिया है लहसुन और प्याज, बड़ा सा प्याज,
और इसको अच्छे से जब तक लाल हो जाए तब तक फ्राई करना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के, ज़्यादा नहीं। ये देखो ये मेरा फ्राई हो गया है। इसके बाद उसी तेल में, उसी कुकर में ना ऑयल डालें और उसमें जीरा और राई और थोड़ा सा हींग ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद डाल देंगे लहसुन एंड प्याज। मैं नॉर्मली बनाती हूँ सारी सब्जियाँ, मैं एक ही जैसे बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता, बट हाँ जितना आता है उतना मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। सो ये मैंने डाल दिया लहसुन, ये डाल दिया है प्याज। और मैं हमेशा स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो कढ़ाई हो, कुकर हो, कुछ भी हो, मैं एल्युमिनियम यूज़ नहीं करती। मैं कभी बताऊँगी आपको रीज़न। सो ये मैंने प्याज डाल दिया है। इसके बाद जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम डाल देंगे मसाला। मसाला में मैं यूज़ करती हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कौन सा पाउडर, हाँ 2 चम्मच धनिया, हल्दी। और मैं लाल मिर्च डालती नहीं हूँ जब बनता है खाना, क्योंकि शायद नहीं खा पाता है, फिर मैं बाद में डाल देती हूँ हल्का सा। और इसके बाद हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लोग गरम मसाला खाते हो ना तो ज़रूर डालना, गरम मसाले से टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद जो फ्राई की हुई वरी रखी थी वो डाल दी है। उसके बाद डालेंगे पानी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि पानी से ये बता बहुत जल्दी वो हो जाता है, सोख लेता है पानी, बहुत ज़्यादा सोखता है। तो इसमें मैं लगा दूँगी इसको, मैं एक सीटी आने के बाद स्लो कर देंगे और फिर 5-7 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरा खाना बन गया है, लंच है ये मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था, मतलब 1 बजे मेरा लंच हो गया था। सो ये है कि बड़ी की सब्जी मैंने बनाया, लौकी का रायता। और मेरे यहाँ चावल बहुत बनते हैं, मतलब बहुत का मतलब कुछ भी बने हो सब्जी, लेकिन चावल ज़रूर बनेंगे, थोड़े से सब लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती बस। और ये है रोटी और ये सारा कर रहा है लंच। लंच में क्या क्या है आज? बड़ी बड़ी की सब्जी है बेटा, ये बड़ी सब्जी। हाँ वेरी गुड, शाइन को सब पता होता है। शाइन के हेयर्स कैसे लग रहे हैं? शाइन कैसे लग रहे हैं आपको अपने हेयर्स? वाओ ऑसम लुकिंग, ऑसम लुक लाइक लवली बॉय, मामाज बॉय। तो चलो अभी शाइन को लंच करा दें, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पीछे कुछ और भी बॉक्स रखे हुए हैं। सो यहाँ का आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। देखो ये भी बॉक्स रखे हुए हैं, वैक्यूम क्लीनर आया था, सो इसका भी बॉक्स पड़ा हुआ है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप लोग को ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।